चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जनपद में जिला मुख्यालय जौनपुर से उत्तर में लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर बसा जौनपुर जिले का दूसरा सबसे बड़ा शहर, ऐतिहासिक नगरी शाहगंज। जौनपुर की ओर से शाहगंज पहुंचने पर सड़क अनेकों वाणिज्यिक भवनों से होकर शहर में प्रवेश करती है। शाहगंज शहर की स्थापना अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अपने शासनकाल के समय 1754 से 1775 के मध्य की थी। शाहगंज नगरपालिका एवं शहर में समा चुकी ग्राम पंचायतों को जोड़कर शाहगंज शहर में वर्तमान में लगभग 50,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से जौनपुर जनपद में जौनपुर के बाद दूसरा एवं वाराणसी मंडल में वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर एवं भदोही के पश्चात पांचवां सबसे बड़ा शहर है। जौनपुर रोड उत्तर में बढ़ते हुए शहर के एराकियाना क्षेत्र से होकर गुजरता है। आगे बढ़ते हुए शहर का महत्वपूर्ण चौराहा कोतवाली चौक दिखाई पड़ता है। इस चौराहे पर व्यस्तता सदैव बनी रहती है। यहां से पूर्व की ओर शहर का घास मंडी चौराहा स्थित है। घास मंडी चौराहा से दक्षिण की सड़क अलीगंज क्षेत्र में प्रवेश करती है, जो चूड़ी वाले बाजार के रूप में जानी जाती है। घास मंडी चौराहा से उत्तर की ओर सर्राफा बाजार स्थित है। कोतवाली चौराहा से पश्चिम में कोतवाली रोड प्रारंभ होता है। इस मार्ग पर शहर का थाना कोतवाली परिसर एवं नगर पालिका परिषद का कार्यालय आदि स्थित है। यह सड़क पश्चिम की ओर माल गोदाम से जोड़ती है। कोतवाली चौराहा से जौनपुर मार्ग उत्तर की ओर डाकखाना चौराहा से होकर जेसिस चौराहा की ओर बढ़ जाता है। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान दिखाई पड़ते हैं। शाहगंज लगभग 1801 में अंग्रेजों के अधिकार में आया। ब्रिटिश सरकार द्वारा जौनपुर जनपद की स्थापना की गई एवं शाहगंज को एक तहसील का दर्जा प्रदान कर जौनपुर जनपद में सम्मिलित कर दिया गया। 1989 में शाहगंज एवं जौनपुर तहसीलों के कुछ गांवों को जोड़कर बदलापुर तहसील का सृजन किया गया। वर्तमान में शाहगंज जौनपुर जनपद की 6 तहसीलों में एक है। सड़क उत्तर में बढ़ते हुए जेसिस चौराहा पर पहुंचती है। जेसिस चौराहा शहर का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण चौराहा है। यहां से उत्तर की सड़क फैजाबाद मार्ग, दक्षिण में जौनपुर मार्ग, पश्चिम में सड़क बस स्टैंड मार्ग एवं पूर्व में सड़क आजमगढ़ मार्ग के रूप में जानी जाती है। आजमगढ़ मार्ग भी शहर की महत्वपूर्ण सड़कों में एक है। शाहगंज में तहसील, कोतवाली, मंडी समिति, रोडवेज डिपो, अग्निशमन केंद्र, नगर पालिका परिषद आदि भी स्थापित हैं। जौनपुर जनपद के विशाल भूभाग और जनसंख्या को देखते हुए जौनपुर जनपद को विभाजित कर शाहगंज को जनपद बनाने की मांग लंबे समय से जोर पकड़ रही है। आजमगढ़ मार्ग पूर्व में बढ़ते हुए भीटी तिराहा से गुजरता है एवं पूर्व की ओर बढ़ जाता है। आजमगढ़ जनपद के मार्टिनगंज एवं फूलपुर तहसील, जौनपुर जनपद की शाहगंज एवं बदलापुर तहसील एवं सुल्तानपुर जनपद के अखंडनगर विकासखंड को जोड़कर शाहगंज जनपद का सृजन किया जा सकता है। आजमगढ़ मार्ग पूर्व की ओर फूलपुर, निजामाबाद, सरायमीर, आजमगढ़ की ओर प्रस्थान कर जाती है। आजमगढ़ मार्ग स्थित भीटी तिराहा से पश्चिम की ओर पुराना बाजार प्रारंभ होता है। यह सड़क घास मंडी मार्ग के रूप में जानी जाती है। यह सड़क अलीगंज क्षेत्र से होकर भी गुजरती है। यह मार्ग आजमगढ़ मार्ग को घास मंडी चौराहा से होकर कोतवाली चौराहा से जोड़ती है। सड़क के दोनों ओर अनेकों व्यापारिक प्रतिष्ठान दिखाई पड़ते हैं। शाहगंज व्यापारिक दृष्टिकोण से जौनपुर जनपद में जौनपुर के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। सड़क पश्चिम में बढ़ते हुए घास मंडी चौराहा कोतवाली चौराहा से जुड़ जाती है। जेसी इस चौराहा से पश्चिम में जाने वाली सड़क उत्तर की ओर घूमकर रेलवे स्टेशन शाहगंज जंक्शन से जोड़ती है। शाहगंज से 3 प्रमुख रेलमार्ग अयोध्या, मऊ एवं जौनपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ से कई मुख्य रेलगाड़ियाँ गुजरती हैं। रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे फाटक को पार करके एक मुख्य सड़क रोडवेज बस स्टैंड से गुजरती है। शाहगंज डिपो बस अड्डा से दिल्ली, लखनऊ एवं आसपास के महत्वपूर्ण शहरों के लिए सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। बस अड्डा से बस स्टैंड मार्ग पश्चिम की ओर तहसील की ओर बढ़ जाता है।
यह मार्ग भी अब पोंथा व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। सड़क पश्चिम में बढ़ते हुए तहसील शाहगंज के परिसर से होकर गुजरती है। शाहगंज तहसील में ही उपजिलाधिकारी कार्यालय भी स्थित है। तहसील से थोड़ा आगे बढ़ने पर बदलापुर तिराहा दिखाई पड़ता है। यहाँ से दक्षिण की ओर सड़क खुटहान बदलापुर की ओर प्रस्थान कर जाती है। यहाँ से पश्चिम में सड़क कादीपुर सुल्तानपुर आदि की ओर प्रस्थान कर जाती है। सुल्तानपुर मार्ग को आजमगढ़ मार्ग से जोड़ने के लिए एक बाईपास का निर्माण भी किया गया है, जो रेलवे ऊपरगामी सेतु से होकर आजमगढ़ मार्ग से जुड़ता है। जेएसएस चौराहा से उत्तर में जाने वाली सड़क फैजाबाद मार्ग के रूप में जानी जाती है। इसी मार्ग पर शहर का एकमात्र सिनेमाघर हिंद सिनेमा का परिसर स्थित है। फैजाबाद मार्ग शाहगंज को अकबरपुर टांडा बस्ती फैजाबाद अयोध्या आदि महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ता है। शाहगंज में आना और इसे कैमरे में संजोना एक सुखद अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। शाहगंज पर बनाई है वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो शाहगंज शहर अथवा इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।